सो हेलो गाइज, एम वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, सबसे पहले जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी लाइफ में जितने भी टीचर्स आए हैं, मैं उन सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ। तो गाइज, ये जो मैंने अभी पूरा विश किया, सब लोगों को मैंने विश किया, उसको देख के यार आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि यार हमको भी विश कर रहा है, क्योंकि हम जो टीचर्स है ही नहीं, और हैप्पी टीचर्स डे में तो जो टीचर वर्ड आता है तो उस हिसाब से मेरे को टीचर्स को विश करना चाहिए। गाइस, ये जो आपका डाउट है ये एकदम यार जेन्युइन है, और इसका सोल्यूशन मिलना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यार जिसका अगर आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला तो आपकी लाइफ में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो गाइस, इसी टॉपिक को लेकर मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है, जिससे ये जो इसका सोल्यूशन है वो आप तक पहुंचे। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको सीख कर ही जाओगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहली बात यह है कि हैप्पी टीचर जो में जो टीचर आता है उसका हमें यही मतलब पता होता है कि जो आते हैं हमें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं और चले आते हैं। एक्चुअल में जो टीचर का मतलब होता है, टीचर का मतलब होता है जो हमें कुछ सिखाते हैं, हम जिनसे कुछ सीखते हैं, जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, वो टीचर्स होते हैं। तो गाइस, वो कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे बगल में जो बैठा है हमें वो हो सकता है, हमारी जो किताबें हैं वो हमारी टीचर्स हो सकती है, क्योंकि हम उनमें से कुछ सीखते हैं। हमारे जो हमारी जो लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं, वो उनसे हमको सीखते हैं। एंड गाइस, हमारी लाइफ में यार हमारी एज के साथ भी टीचर्स बदलते रहते हैं। जैसे कि हम बहुत यार छोटे होते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें बोलना सिखाते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं। फिर हम जब थोड़े बड़े होते हैं, हम स्कूल जाने लगते हैं, तब हम जब LKG या नर्सरी क्लास में होते हैं, तब हमें जो अल्फाबेट से रूबरू कराते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे बड़े टीचर्स होते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम वही होता है किसी छोटे बच्चे को अल्फाबेट सिखाना या उससे पहला लेटर लिखवाना, है ना। फिर जब हम और बड़े आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमारे लिए और अच्छे टीचर्स होते हैं। जब हम 10th क्लास में आते हैं तो हमारे लिए एक नए टीचर होते हैं। 11th 12th क्लास में हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए एक अलग टीचर्स होते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, या फिर हमारी लाइफ में जब हम फेल हो जाते हैं, तो तब हमारी लाइफ के सबसे बड़े टीचर्स हमारे सामने आते हैं। वो है हमारा फेलियर और हमारा एक्सपीरियंस, जो हमने उस फेलियर से सीखा हुआ होता है। इनसे बड़े टीचर्स हमारी लाइफ में कोई होते ही नहीं है। तो गाइस, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार अटेम्प्ट करने से मत डरो। अटेम्प्ट करोगे तो सक्सेसफुल होगे तो भी आपका अच्छा होगा, और सक्सेसफुल नहीं होगे, फेलियर होगे तो भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि फेलियर आपको एक्सपीरियंस देता है जिससे सीख के आप आगे फेलियर होने से बच सकते हो। एंड गाइस, हमारी लाइफ में जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसमें से हम कुछ सीखते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए टीचर हो गया। एंड गाइस, चाणक्य ने भी यार बहुत सही कहा है कि यार हम अपनी लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हमारी एक लाइफ कम पड़ जाएगी अगर हम सारे अनुभव करने लगे। तो हमें दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए, हमें दूसरों के से भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में यही एटीट्यूड रखेंगे कि यार मेरे को सबसे सीखना है, और एकदम डाउन टू अर्थ एटीट्यूड रखोगे और सबसे सीखते हुए जाओगे, तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो गाइज, सबसे यार सीखते चलो, आगे बढ़ो यार, और खूब अपने अच्छे से तरक्की करो, है ना गाइज। आई होप गाइज ये वीडियो आपको यार पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। गाइज, अगर वीडियो से आपके मन में ये बात आई कि यार हाँ मेरे को यार सभी मेरे टीचर्स हैं, मेरे को सभी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड बाय।